प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। अहम् ज्योति पाठक प्राध्यापिका साहित्य शास्त्र राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मोहनपुरतः भवतां हार्दम हार्दम स्वागतं करोमि। अद्य वयं काव्यशास्त्रालोकः कनिष्ठोपाध्याय कक्षायाः काव्यशास्त्रालोकः इति पुस्तकस्य चतुर्थो मयूखः अथ गुणा अस्य प्रकरणस्य अध्ययनं करिष्यामः। आगच्छतु पश्यतु। चतुर्थो मयूखः अथ गुणाः। अथ गुणाः गुण प्रकरण चतुर्थे मयूखे। काव्य स्वरूप निर्धारण प्रसंगे जयदेवः प्रथमे मयूखे निर्दोष लक्षणवती सरिति गुणभूषण इति उक्तवान्। अर्थात श्लेषादिभिः काव्यगुणैः विभूषिता एते काव्यगुणा काव्यस्य आत्मने रसे तथैव निवसन्ति यथा मानवोचिताः शौर्यादयः गुणाः मानवस्य आत्मनि निवसन्ति। सरलार्थं पश्यतु। काव्य स्वरूप निर्धारण प्रसंगे काव्य का स्वरूप निर्धारण करते समय उस प्रसंग में जयदेव आचार्य जयदेव क्या कहते थे? प्रथमे मयूखे पहले मयूख में उन्होंने कहा कि निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणभूषणा कि काव्य कैसा होना चाहिए? निर्दोषा दोष रहिता लक्षण युक्ता सरिति रीति युक्त गुणभूषणा गुणों से अलंकृत और अलंकारों से अलंकृत ऐसा होना चाहिए। अर्थात श्लेषादि काव्य गुणई विभूषिता श्लेषादि जो काव्य के गुण है उनसे विभूषित एते काव्य गुण ऐसे ये काव्य गुण काव्यस्य आत्मनि रसे तथैव निवसन्ति काव्य की आत्मा में रस के समान उसी प्रकार से निवास करते हैं यथा जैसे मानवोचिताः शौर्यादयः गुणाः मानव में उचित मानवोचित जो शौर्यादि गुण मानवस्य आत्मनि निवसन्ति मानव की आत्मा में निवास करते हैं। अर्थात काव्य के गुण काव्य में गुण उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मानवों में जो गुण स्वयमेव शौर्य आदि करुणा आदि गुण मानव के जिस प्रकार से आत्मा में निवास करते हैं उसी प्रकार से काव्य में भी गुण श्लेष आदि गुण निवास करते हैं। आइए आगे देखें। इत्थम व्यक्तित्व प्रकाशकाः मानव गुणाः आत्मनः धर्माः सन्ति शरीरस्य न तथैव काव्य गुणाः अपि काव्यसात्मनः रसस्य एव धर्माः सन्ति। इत्थम व्यक्ति प्रकाशकः इस प्रकार से व्यक्ति को प्रकाशित करने के लिए व्यक्ति के गुणों को दिखाने के लिए मानव गुणाः आत्मनः धर्माः सन्ति मानवों के गुण उनके आत्मा में ही उनके धर्म में ही शामिल हैं सम्मिलित होते हैं। शरीरस्य न शरीर में नहीं आत्मा में ही गुण होते हैं। तथैव उसी प्रकार से काव्य गुणः अपि काव्यस्य काव्य के गुण भी काव्य की आत्मनः रसस्य एव धर्मा सन्ति आत्मा में रस में ही ये धर्म होते हैं। अर्थात यथा मानव गुणः मानवस्य आत्मनः भवन्ति सन्ति तथैव काव्यस्य अपि गुणः काव्यस्य आत्मनः रसस्य एव धर्मा सन्ति यथा शरीर माध्यमेन तु मानव गुणानां बाह्य अभिव्यक्ति भवति जिस प्रकार से शरीर के माध्यम से मानव के जो गुण है वे बाह्य अभिव्यक्ति होती है तथैव काव्य गुणानां अपि बाह्य अभिव्यक्ति काव्य शरीरेण शब्दार्थाभ्याम् एव भवति काव्य से शरीरम किम शब्द अर्थ शब्दार्थ काव्य से शरीरम काव्य का शरीर क्या है शब्द और अर्थ तो यही बताया है कि काव्य के गुण भी बाह्य अभिव्यक्ति काव्य के शरीर यानी अर्थात शब्द और अर्थ में होता है। साम्प्रतम तान एव काव्य गुणान निरूपयति तो उसी काव्य के गुण का निरूपण आचार्य जयदेव ने चतुर्थ मयूख में किया है। अग्रे पश्यतु। तेषु काव्यगुणेषु प्रथमः श्लेषगुणः काव्यगुणों में प्रथम जो है श्लेषगुण है।
श्लेषो विघटमानार्थ घटमानत्व वर्णनम सतु शब्द सजातीय शब्देर बंध सुखावह उल्लस्तनुतामनीते अनन्ते पुलककंटकै भीतया मानवत्यैव श्रेयाश्लिष्टं हरिं स्तुमः। पुनः देखिए, श्लेषो विघटमानार्थ घटमानत्व वर्णनम सतु शब्दः सजातीयै शब्द बंधः सुखावहः उल्लस्तनुतामनीते अनन्ते पुलककंटकै भीतया मानवत्यैव श्रेयाश्लिष्टं हरिस्तुमः। एक बार पुनः पश्यतु। श्लेषो विघटमानार्थ घटमानत्व वर्णनम स तु शब्द सजातीयै शब्दैः बन्धः सुखावहः। द्वितीय कारिका, उल्लसतनुताम नीते अनन्ते पुलक कंटकै भीतया मानवत्यैव श्रिया श्लिष्टं हरिं स्तुमः। अग्रे प्रसंग पश्यतु। अत्र श्लेषगुणस्य वर्णनमस्ति। सन्दर्भः किमस्ति? प्रस्तुतो अयं श्लोकः जयदेव कृत चन्द्रालोकस्य चतुर्थमयुक्तः उद्धृतो अस्ति। अन्वयः पश्यतु। विघटमानार्थ घटमानत्वं वर्णनम् श्लेषः गुणः स्यात्। स तु जातीयै शब्दै सुखावह बन्धतु शब्दः पुलककण्टै अनन्तै उल्लसतनुतामनीते भीतया मानवत्या एव श्रिया श्रेष्ठं हरिं स्तुमः। अन्वयोपरान्त शब्दार्थ व्याख्या पश्यतु। श्लेषगुणमाह विघटमानार्थ, अर्थात यो अर्थो न घटते, जो अर्थ घटित नहीं हो रहा है, जो असंभावित अर्थ है। यो अर्थो न घटते इति विघटमानार्थ, अर्थात तादृश असंभाविनः अर्थस्य किम् अर्थस्य अभिधेयस्य घटमानत्व वर्णनम, अर्थात संभावित्व प्रतिपादनम, घटमान रूपेण वर्णनम श्लेषः। तत्र सह अर्थात श्लेषगुणः, सजातीय अर्थात समानाकारी, सदृशी शब्दै वाचकै पदैवा, सुखावह श्रवण सुखदः चमत्कारिकः, बंध अर्थात रचना पद रचना तु तावत्, शब्दः शब्दश्लेषः शब्द संबंधी श्लेषः। इत्थं श्लेषगुणः द्विविधः, अर्थश्लेषः शब्दश्लेषश्च इति उदाहरणम्। दो प्रकार के श्लेष बताए इस प्रकार से, अर्थश्लेष शब्दश्लेष। उदाहरणम् पश्यतु। पुलक कंटकै लक्ष्या रोमांच कंटकै अनन्ते अर्थात शेषनागै उल्लसतनुताम प्रकटी भव कृषताम नीते अर्थात प्राप्ते भीतया भयग्रस्तया श्रिया लक्ष्म्या आश्लिष्टम आलिंगितम हरिम विष्णुम स्तुमः प्रण मामः। हिंदी भाषा में अर्थ सुनोत। विघटमानस्य असंभावी अभिधेय, घटमान जो संभव हो जाए। श्लेष गुण, सजातीय समानाकार शब्द रचना, वाचक शब्द वाचक, सुखावह पद रचना चमत्कारिक ढंग से जो पद रचना है, बंध जो रचना की गई है रचनाकार के द्वारा, शब्द व शब्द, उल्लस तनुता प्रकट होना, अनंते सर्पराज पुलक कंटकै लक्ष्मी रोमाश्वरूपी कंटकों से, उल्लसंती अभिलाषा से, तनुता कृष्णता नीते विधि से, भीतया रोमांचित रूप से, मानवत्या आदर्शवती रूप से, श्रिया लक्ष्मी आश्लिष्टम आलिंगन हरिम विष्णु भगवान विष्णु स्तुमः प्रणाम। सरल भाषा अर्थोपरांत पश्यतु। यत्र समानाकारै श्रवण सुखदै शब्दै पद्य रचना विधीयते तत्र शब्द श्लेषः। जहां पर समानाकार में श्रवण सुखद शब्दों के द्वारा पद्य की रचना का विधान होता है, वहां शब्द श्लेष है। यथा तनुताम नीते अनन्ते श्रेयाश्लिष्टं पुलक कंटकै इत्यादि भी सदृशै शब्दे चमत्कारिक प्रतीति
भवति। यत्र अघटमानस्य घटमान रूपेण वर्णनं क्रियते तत्र अर्थश्लेषः यथा मानवती नायिका कदापि स्वयं एव आलिंगनं करोति, परम अत्र तादृशं वर्णनं कृतं यत् अघटमानम् अपि घटितं, यतो हि मानवत्यापि लक्ष्म्या हरिः आलिंगितः। इत्थं श्लेषगुणः द्विविधं श्लेषगुणः द्विविधः शब्दश्लेषगुणः अर्थश्लेषगुणश्च। हिंदी भाषा में पश्यतु, श्लेष दो प्रकार का बताया गया, एक शब्द श्लेष दूसरा अर्थश्लेष। जहाँ असंभव अर्थ को युक्ति द्वारा संभव करके दिखाया जाए वहां अर्थश्लेष, और जहाँ समान आकार शब्दों द्वारा चमत्कार जनक रमणीयता की जाए वहां शब्दश्लेष हो जाता है। तो प्रस्तुत उदाहरण में जो है काम क्रीड़ा की अभिलाषा से गात्र का पुलकित हो जाने पर स्तूप कंटकों से विद शेषनाग के भय से मानवती लक्ष्मी द्वारा आलिंगित भगवान विष्णु की हम स्तुति करते हैं। यहाँ पर मानवती नायिका का स्वयं आलिंगन असंभव है, किंतु उसे शेषनाग के भय से संभव कर बतलाना अर्थश्लेष हो गया। चमत्कार जनक पद समानता या संधि के कारण एक पद सदृश का प्रतीति होना शब्दश्लेष हो गया। पुनः भावार्थ एक बार पश्यतु। काव्यगुणेषु प्रथमः श्लेषगुणः, यत्र समान आकारे श्रवण सुखदै शब्दै पद्यरचना विधीयते तत्र शब्दश्लेषः भवति। कुत्र? यत्र श्रवण सुखदै समान आकारे शब्दै पद्यरचना भवति तत्र शब्दश्लेषः भवति। एवं च यत्र इत्यादिभिः सदृशै शब्दै चमत्कारिक प्रतीति भवति। अन्यत्र यत्र अघटमानस्य घटमान रूपेण वर्णनं क्रियते तत्र अर्थश्लेषः भवति। यत्र अघटमानस्य घटमान रूपेण वर्णनं क्रियते तत्र अर्थश्लेषः भवति। यत्र समान आकारे श्रवण सुखदै शब्दैः पद्य रचना विधीयते तत्र शब्दश्लेषः भवति। इत्थं श्लेषः श्लेषगुणः द्विविधः शब्दश्लेषगुणः अर्थश्लेषगुणः। अधुना श्लेषगुणः इति सम्पूर्णं। पुनः मिलामः। धन्यवादः।